दोस्तों आज का हमारा वीडियो है नोट मेकिंग कैसे करते हैं, नोट कैसे तैयार करते हैं। 12th क्लास के एग्जाम में या 11th क्लास के एग्जाम में इंग्लिश में ये सवाल पूछा जाता है नोट मेकिंग बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। नोट मेकिंग के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, उन पॉइंट के अकॉर्डिंग ही आपको नोट तैयार करने हैं। तो सबसे पहले आपके कुछ 6 पॉइंट मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं, इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है। बात करता हूं मैं सबसे पहले पॉइंट की, तो सबसे पहला आपका पॉइंट आता है राइट द टाइटल, इट मस्ट रिलेट टू द मैटर। सबसे पहले आपको टाइटल लिखना है, सबसे पहला पॉइंट आपको कहता है कि टाइटल लिखना है। टाइटल ऐसा होना चाहिए जो भी आपका पेसेज दिया गया हो, जिसके बारे में भी बात की जा रही हो, उससे रिलेट होना चाहिए। पैराग्राफ में बात सचिन तेंदुलकर की जा रही है और आप लिख दो कैटरीना कैफ का टाइटल, तो इस प्रकार से आपका नहीं चलेगा। तो आपको टाइटल वही लिखना है जिससे मैटर आपका रिलेट कर रहा है। दूसरा पॉइंट है आपका मिनिमम 5 एंड मैक्सिमम 7 एब्रीवेशन यूज करना। एब्रीवेशन के बारे में आप दोस्तों जानते हो, एब्रीवेशन का मतलब क्या होता है कि छोटी शॉर्ट फॉर्म होती है। जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं ANS, ANS मतलब ये किसकी शॉर्ट फॉर्म है आपको पता होगा, आंसर, आंसर पूरी मीनिंग होती है, उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है NS। तो इस प्रकार के एब्रीवेशन का जो आप यूज करो, कम से कम आप 5 कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा आप 7 कर सकते हो। 7 से ज्यादा आपको एब्रीवेशन अपनी नोट मेकिंग यूज नहीं करना है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि एब्रीवेशन एक्चुअल में आप तैयार कैसे कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट आपका हो गया कि मिनिमम 5 और अधिकतम 7 एब्रीवेशन आप यूज कर सकते हैं। और जो तीसरा पॉइंट है वो होता है एब्रीवेशन का, जो बॉक्स हम एब्रीवेशन तैयार करेंगे उसके बारे में बताने के लिए एक बॉक्स तैयार करते हैं, उसको आपको कहां पर लिखना है, वो बॉक्स आपका होना चाहिए एब्रीवेशन बॉक्स शुड बी प्लेस्ड बिफोर द समरी एंड आफ्टर द नोट्स। कई बच्चे कभी क्या करते हैं कि जो एब्रीवेशन का बॉक्स होता है उसको समरी के ही बाद में लिखते हैं, मतलब पहले नोट लिखते हैं उसके बाद में समरी, समरी के बाद में एब्रीवेशन बॉक्स लिखते हैं। इस प्रकार से वहां पर आपको एब्रीवेशन बॉक्स नहीं लिखना है, वहां पर आपको एब्रीवेशन का बॉक्स नहीं बनाना है, आपको एब्रीवेशन का बॉक्स नोट के बाद और समरी से पहले बनाना है। चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है राइट फ्रेजेस नॉट कंप्लीट सेंटेंस। फ्रेजेस के बारे में यदि आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फ्रेज होता है क्या, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ माई नेम इज सरवण, माई नेम इज सरवण, माई नेम इज सरवण एक कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें पूरा कंप्लीट अर्थ आ रहा है। और यदि मैं बोलता हूँ नेम सरवण, तो नेम सरवण मतलब नाम सरवण, इसमें भी मीनिंग तो आ रहा लेकिन हमारा कंप्लीट मीनिंग नहीं आता। तो इस प्रकार के फ्रेजेस को आपको यूज करना है, कंप्लीट सेंटेंस को नोट मेकिंग में कभी भी यूज नहीं करना है। पांचवा पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पांचवा पॉइंट को आपको याद रखना है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि जो एब्रीवेशन के बारे में मैंने बताया था, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एब्रीवेशन में नंबर यूज कर लेते हैं, नंबर यूज नहीं करने। जैसे आपको लिखना है 100, आपको लिखना है 100, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं 100 का भी एब्रीवेशन बना देते हैं, AUND100 लिख के उसके आगे एब्रीवेशन 100 लिख देते हैं। तो इस प्रकार का आपको काम नहीं करना है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं 4 लिखना हो तो 4 की जगह लिख देते हैं 4, इस तरह से नंबर वाले एब्रीवेशन को आप यूज नहीं करना है। छठा पॉइंट है आपका, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था कि फ्रेज लिखने कंप्लीट सेंटेंस नहीं निकले, तो आप फ्रेज तैयार करने के लिए क्या कर सकते हो, हेल्पिंग वर्ब, आर्टिकल्स, प्रोनाउन, डिटरमिनर, इनसे कुड बी ओमिडेट, ओमिडेट का मतलब होता है लुप्त होना या विलुप्त होना, तो इनको आप हटा सकते हो, इनको हटा के आप फ्रेजेस तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अब मैं बात करना चाहूंगा हाउ टू मेक एब्रीवेशन, एब्रीवेशन कैसे तैयार करते हैं। एब्रीवेशन तैयार करने का सबसे पहला रूल होता है कुछ स्टैंडर्ड एब्रीवेशन होते हैं जिसके बारे में आप अक्सर जानते होंगे, जैसे मैंने पहले बताया था ANS GOT गवर्नमेंट, तो ये कुछ स्टैंडर्ड एब्रीवेशन होते हैं, इनका आप यूज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट होता है एब्रीवेशन तैयार करने का, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे देखो उसके लिए आप कुछ फर्स्ट कुछ लेटर ले सकते हैं। जैसे देखो मिनिमम का हमने कुछ ले लिया MIN मीन, और मैक्सिमम का हमने ले लिया मैक्स MAX मैक्स, तो आप रूल 2 का यूज करके कुछ किसी भी वर्ड के कुछ पहले वाले कुछ लेटर्स लेकर एब्रीवेशन तैयार कर सकते हैं। और तीसरा रूल मैं आपको बताना चाहता हूँ, तीसरे रूल में क्या होता है रिमूव और ओमिट द वोवल्स। वोवल्स के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, अंग्रेजी में 5 वोवल्स होते हैं AEIOU, इस प्रकार से आप वोवल्स का यूज करके भी एब्रीवेशन तैयार कर सकते हैं। जैसे देखो वर्क WORKO यहाँ पर क्या है वोवल्स, इसको हटा दिया गया है, अचीवमेंट में जितने भी वर्ड्स थे उनको हटा दिया गया। एब्रीवेशन तैयार करने का चौथा रूल के बारे में यदि मैं आपसे बात करूं, तो चौथा रूल होता है फर्स्ट फ्यू लेटर एंड फ्यू लेटर्स, आखिर के
पहले के फर्स्ट लेटर आप यूज कर सकते हैं और कुछ लेटर आप आखिर के यूज कर सकते हैं, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। यहाँ पर लास्ट शायद लिखा हुआ नहीं है, मिस हो गया शायद, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि फर्स्ट कुछ लेटर एंड लास्ट के कुछ लेटर्स लेकर आप तैयार कर सकते हैं। जैसे कनोट, CANNOT, इसके कुछ आप पहले वाले मिटा सकते हो और कुछ लास्ट वाले मिटा सकते हो, इस प्रकार से आप एब्रिविएशन तैयार कर सकते हो। उसके बाद में बात करता हूँ फॉर्मेट की। इसके लिए मैं आपको वो जुगाड़ू ट्रिक के बारे में बताना चाहता हूँ। आपके सामने कोई भी पेसेज दिया गया हो उसको आपको चार भागों में कन्वर्ट करना है। मेरा मतलब चार भागों में कहने का मेरा मतलब ये है कि इसको चार अलग अलग पैराग्राफ आप अपनी इच्छा अनुसार आपको बनाने हैं, जरूरी नहीं जिस स्टूडेंट की जैसी इच्छा हो उस प्रकार के वो चार इस भागों में इसको बांट सकता है। मतलब जो भी आपको पेसेज दिया गया हो इसको पहले आप चार भागों में कन्वर्ट करेंगे। आपके पेसेज में मतलब कितने भी पैराग्राफ दिए हो सकते हैं, उन पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको नहीं चलना, अपने खुद से चार पैराग्राफ तैयार करना। कोई छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, वो कोई उसका मेन रोल नहीं है। आपको बस इतना याद रखना है कि आपको चार भागों में कन्वर्ट करना है इसको। आपके सामने जो भी पेसेज दिया गया हो इसको चार भागों में, चारों को चार भागों में काटने के बाद आपको ये याद रखना है कि आपको जितना भी कंप्लीट पूरा पेसेज है वो चारों भागों में बराबर कर जाना चाहिए। उसके बारे में बात करता हूँ फॉर्मेट के बारे में। फॉर्मेट में सबसे पहले हम लिखते हैं टाइटल। फॉर्मेट में सबसे पहले आपको टाइटल लिखना है और टाइटल के बारे में कुछ खास बातें जो आपको खास तौर से याद रखनी है। नंबर वन आती है सेंटर। जो भी आप टाइटल लिखें वो पेज के सेंटर में होना चाहिए। दूसरी बात आती है अंडरलाइन इट बाय पेंसिल। यदि आपके पास पेंसिल है तो पेंसिल से आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, इससे नंबर देने वाले बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है। यदि आप पेंसिल साथ में ले जाते हैं और इससे आप इस टाइटल को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद में कैपिटल होना चाहिए। एक तो टाइटल आपका सेंटर में होना चाहिए, दूसरा कैपिटल होना चाहिए, और आप हो सके तो आप इसको पेंसिल के द्वारा अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप मेन हेडिंग लिखना है। आपको ये फॉर्मेट तो शायद आप में से बहुत से बच्चों को पता होगा। सबसे पहले मेन हेडिंग, उसके बाद में जितने भी आप पैराग्राफ बना सकते हैं, जितने भी इसके नोट बना सकते हैं आप बना सकते हैं। मिनिमम मैं आपको रिक्वायर करूंगा कि कम से कम चार तो आपको बनाने हैं वैसे, और आप पांच भी बना सकते हो। ज्यादा लंबा आपको नहीं बनाना है, आप छोटा ही बना सकते हैं। उस प्रकार से यदि आपको दूसरी हेडिंग है तो एक बात इसमें याद रखना, आपको नंबर फर्स्ट हेडिंग में जो मेन हेडिंग लिखते हैं उसके जो पहला अक्षर होता है उसके सीध में ही नंबर आने चाहिए। 1.1, 1.2, 1.3 ये दिखे हुए कि ऊपर वाली जो मेन हेडिंग है उसके सीध में ही आने चाहिए। इस प्रकार से जिस तरह से आपको दिख रहा है उसी प्रकार से आपको लिखने। कभी कभी क्या होता है कि आपको सब हेडिंग की आवश्यकता होती है। यदि आप सब हेडिंग करना चाहेंगे तो सब हेडिंग के नंबर कुछ इस प्रकार से होंगे, जैसे 2.2.21, 2.2, 2.2, इस प्रकार की सब हेडिंग आप भी लगा सकते हैं। उसके बाद में एब्रिविएशन का जो बॉक्स है वो आपको इसके नीचे प्लेस करना है। तो सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना है, उसमें एक तरफ आपको वर्ड्स लिखने हैं, जितने भी आप लोगों ने एब्रिविएशन को यूज किया है उसको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर आपको नंबर लगा के वर्ड लिखने हैं, उसके बाद में उसका कौन सा एब्रिविएशन आपने लिखा था उसको यहाँ पर लिखना है। ये बात आपको याद रखनी है। तो इस प्रकार से नोट मेकिंग आप पांच ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको समरी बनाते वक्त याद रखनी है। आपको समरी लिखते वक्त इन पांचों बातों को आपको खास तौर से ध्यान में रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं, ये कौन सी पांच बातें जो हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो समरी में आपको एक सुटेबल टाइटल भी लिखना होता है। तो टाइटल आप सबसे ऊपर लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा के अनुसार जो टाइटल आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट के बारे में यदि मैं बात करूं आपको, तो सबसे पहले आपको आप एक ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। ट्रिक ये कि जो आप समरी तैयार करें वो आप जो आप नोट्स तैयार करते हैं वहां से तैयार कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो जो आप लोगों ने नोट्स तैयार किए थे उसी में से आप समरी तैयार करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा, समय कंज्यूम बहुत कम होगा और आपकी समरी बहुत बढ़िया बनेगी। तो इसमें एक खास तौर से एक बात आपको याद रखना है कि जो हम नोट्स तैयार करते हैं उसमें हम फ्रेजेस का यूज करते हैं, मेक ए कंप्लीट सेंटेंस का, और समरी में कंप्लीट सेंटेंस का यूज किया जाता है, फ्रेजेस का यूज नहीं किया जाता। तो नंबर वन पहली टिप आपको ये मिली है कि आप समरी अपनी नोट्स तैयार कर सकते हैं यदि आपकी इच्छा हो तो। यदि आपका मन करता है नोट्स तैयार नहीं करूंगा तो मत करना। दूसरे पॉइंट की यदि मैं बात करूं तो दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि ज्यादा इंटेलिजेंट फलों में आकर क्या करते हैं, जो वर्ड लिमिट होती है समरी की उसको बढ़ा के खींच के लंबा कर देते हैं, बहुत ज्यादा ही कुछ लिखे आ जाते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। डू नॉट एग्जीड द वर्ड लिमिट। जो वर्ड लिमिट है उस लिमिट के अंदर ही आपको समरी को लिखना है। नंबर टू पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट ये आपको याद रखना है।
बात करूं मैं आपको तीसरे पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट कहता है कि डोंट मेक मेनी पैराग्राफ्स जस्ट ओनली वन। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि समरी में भी छोटे छोटे दो तीन पैराग्राफ बना ही डालते हैं, तो आपको छोटे छोटे दो तीन पैराग्राफ नहीं बनाने, केवल एक ही पैराग्राफ आपको बनाना है समरी लिखते वक्त, एक से ज्यादा पैराग्राफ समरी में आपको नहीं बनाना है। उसके बाद में बात करते हैं हम चौथे पॉइंट की, तो चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आपको जैसे मैंने बताया था कि नोट मेकिंग में आप एब्रीवेशन का यूज कर सकते हैं, तो समरी में एब्रीवेशन का यूज नहीं करना है, समरी में एब्रीवेशन का यूज आपको नहीं करना है। और सबसे आखिर वाला पॉइंट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि समरी में कंप्लीट सेंटेंस लिखे जाते हैं, फ्रेजेस नहीं लिखी जाती है। समरी में आपको कंप्लीट सेंटेंस लिखने हैं, फ्रेजेस नहीं लिखने। एक बार वापस मैं आपको पांचों पॉइंट के बारे में बता देता हूं। सबसे पहला पॉइंट है मेड समरी फ्रॉम द नोट्स। आप चाहते हैं, आप चाहे तो समरी अपनी नोट से तैयार कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखना है, नोट्स में फ्रेज लिखे जाते हैं, कंप्लीट सेंटेंस नहीं, तो आपको वहां से फ्रेज को लेके उसके कंप्लीट सेंटेंस बना के अपनी समरी तैयार कर सकते हैं। जो दूसरा पॉइंट है हमारा, वो है डू नॉट एग्जीड द वर्ड लिमिट। जो वर्ड लिमिट आपको पेपर में दी गई है उसी वर्ड लिमिट में आपको रहना है, उससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। तीसरा पॉइंट है कि पैराग्राफ एक ही होना चाहिए, एक से ज्यादा पैराग्राफ में समरी आपको नहीं लिखना है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एब्रीवेशन का यूज जिस प्रकार से हम नोट में करते हैं इसमें नहीं करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कंप्लीट सेंटेंस होने चाहिए, फ्रेजेस का यूज आप अपनी समरी में नहीं करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।